आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। वो ये है कि जब भी हम लोग मेल्स भेजते हैं या फिर फॉर्म्स के थ्रू ट्रांजैक्शनल ईमेल्स या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म्स या किसी भी टाइप के इनपुट लेते हैं यूज़र्स के एंड देन मेल्स को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार हमारे मेल्स स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। अब उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए एंड कैसे इंश्योर किया जाए कि डिलीवरी आपके इनबॉक्स में हो, वो आज हम लोग देखेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस पे ईमेल्स को डिलीवर कैसे किया जा सकता है ई कॉमर्स के लिए, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए, एक SMTP प्लगइन का यूज़ करके फॉर फ्री। अब पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो डिफ़ॉल्ट मेल सेटिंग्स रहती है उसमें एक मेल फंक्शन का यूज़ होता है जो कि PHP मेल फंक्शन होता है, एंड उसमें कोई भी आप लोग अपनी ईमेल का यूज़ नहीं करते हो। आपका जो खुद का ब्रांडेड ईमेल रहता है उसका यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। आप लोग रिकॉर्ड्स को ऐड नहीं करते हो। बेसिकली आप लोग वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है वहाँ पे ये नहीं प्रूफ कर सकते कि ये जो ईमेल है ये एक स्टैंडर्ड जेन्युइन और ब्रांडेड कंपनी ने भेजा है। You can only say that when you add some additional inputs, when you prove yourself कि ये जो डोमेन है ये आपका है एंड आप ही इसके ऑथराइज्ड ओनर हो। तो जो PHP मेल फंक्शन होता है इसको बहुत सारे स्पैमर्स भी यूज़ करते हैं, हैकर्स भी यूज़ करते हैं, इसीलिए ये स्पैम में चले जाता है। एंड इसीलिए वी वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अवर अथॉरिटी, अवर ब्रांड, कि हम लोग ओरिजिनल ओनर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक SMTP प्लगइन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पर SMTP प्लगइन वर्क कैसे करता है, इंस्टेड कि हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेल फंक्शन का यूज़ करें जो कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, हम लोग वर्डप्रेस को फोर्स करते हैं कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम है उसका यूज़ मत करो। हम यहाँ पर आपको जो सेटिंग्स दे रहे हैं, जो हमारा मेल है, चाहे वो जीमेल हो सकता है, बिजनेस मेल हो सकता है, जिस भी हमने SMTP जो भी डिटेल्स दी है, हाँ, आप उसका यूज़ करो। अब जो इसके एडवांटेज है वो ये रहते हैं कि एक तो स्पैम ही आपका प्रिवेंट करता है। आप लोग कोई भी ईमेल का यूज़ कर सकते हो, आपके डोमेन का ईमेल है, जीमेल है, एंड तीसरा आपका जो डोमेन रेटिंग है इससे वो भी अच्छी मेंटेन रहती है कि स्पैम नहीं हो रहे हैं इस डोमेन से। अब इससे पहले यहाँ पर मैं SMTP इंस्टॉल करूँ, जो सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ईमेल की। नाउ ईमेल में आप लोग जीमेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड कि आप लोग अपना प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करो। एंड सिंस यू आर हैविंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आई डू थिंक कि आपके पास एक शेयर्ड होस्टिंग तो होगी, एंड मैक्सिमम शेयर्ड होस्टिंग यहाँ पर फ्री में ईमेल होस्टिंग देते हैं। तो सबसे पहले अपना एक बिजनेस ईमेल यहाँ पर क्रिएट करो, और अगर नहीं है तो जोहो से जाके परचेस कर सकते हो। जोहो इज़ वेरी चीप, यू कैन यूज़ दैट। अगर आपकी होस्टिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है, जैसे कि क्लाउडवेज है वो ईमेल होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो बाकी जो शेयर्ड होस्टिंग होती है जैसे कि होस्टिंगर, केमी क्लाउड, फास्ट कॉमेट, वो आपको यहाँ पर ईमेल होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं क्विकली अपना ईमेल बना देता हूँ सबसे पहले। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पर अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। आई विल गो टू क्रिएट ईमेल अकाउंट, यहाँ पर मैं उसका नाम डाल देता हूँ हेलो। ये पासवर्ड आप लोगों को SMTP पे याद रखना पड़ेगा, तो ये ईमेल और पासवर्ड दोनों अपना यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आई क्लिक कंप्लीट। नाउ होस्टिंगर में ऐसे होता है, आप लोग कोई दूसरी होस्टिंग यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे शायद से थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा, एंड प्रोसेस सेम ही है कि आपको अपना पहले ईमेल क्रिएट करना है, एंड देन जो उसकी SMTP सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है। तो ये रहा मेरा ईमेल, ये मेरा ईमेल क्रिएट हो चुका है hello@kptesthosting10.xyz। यहाँ पर मैं जाऊँगा इसकी DNS सेटिंग्स पे, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका SMTP। तो ये जो है होस्ट नेम, पोर्ट और SSL TLS, इसकी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम लोग जाते हैं और अपना प्लगइन यहाँ पर पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आई विल गो टू सेटिंग्स, प्लगइन मैंने यहाँ पर इसका ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो यू जस्ट नीड टू गो टू ऐड न्यू। ऐड न्यू पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा WPMail SMTP। यू जस्ट नीड टू सर्च WPMail SMTP, एंड ये जो है WPMail SMTP by WP Forms, ये आपको मिल जाएगा। WP Forms का मैंने यहाँ पे रिव्यू किया था, तो अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा आई बटन के ऊपर। नाउ आई विल गो टू WPMail SMTP सेटिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है। फ्रॉम ईमेल में हम लोग डाल देंगे hello@kptesthosting10.xyz, एंड फ्रॉम नेम में जो भी आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है वो आप लोग डाल सकते हो, कृपेश आडवाणी, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है kptesthosting10।
और इसके बाद यहाँ पर जो सेटिंग्स रहेगी, एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्टेड रहेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट से चेंज करके यू नीड टू क्लिक अदर एसएमटीपी एंड देन यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, होस्ट नेम सबसे पहले ये, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। होस्ट नेम को वी विल एंटर एसएमटीपी होस्ट यहाँ पर डाल देंगे एंड देन इंक्रिप्शन SSL TLS जो दोनों में से जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना। SSL पोर्ट, अगर यहाँ पे पोर्ट नंबर 465 आपको मिल रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो SSL होगा एंड 564 अगर आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर दे रहा है वो तो वो TLS होगा। फिलहाल के मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर कॉपी कर लेता हूँ, आई विल सिलेक्ट SSL पोर्ट नंबर में 465। ऑटो TLS को ऑन कर देना है कि अगर TLS का सपोर्ट हो तो उसको डाल देना है। ऑथेंटिकेशन ऑन रहेगा यहाँ पर और जो भी आपका यहाँ पे यूज़र नेम है, SMTP यूज़र नेम जो था मेरा hello@kptesthosting.in एंड देन जो मेरा पासवर्ड था जो मैंने शुरुआत में जो सेट किया था वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कुछ इस तरीके से। बैकअप कनेक्शन ये प्रो का फीचर है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ आई विल क्लिक सेव सेटिंग्स, सेटिंग्स यहाँ पे सेव हो गई है। आई विल गो टू ईमेल टेस्ट, यहाँ पर मैं एक ईमेल भेज देता हूँ अपने आप को कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। आई विल क्लिक सेंड ईमेल, ठीक है इट्स रनिंग। अब ये देखते हैं कि SMTP अभी इसका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द टेस्ट ईमेल माइट हैव सेंट, दैट्स गुड बट द डिलीवरी शुड बी इम्प्रूव्ड। यहाँ पर आपको डीमार्क रिकॉर्ड ऐड करना है, डीमार्क रिकॉर्ड एक अलग टॉपिक है, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। डीमार्क रिकॉर्ड बेसिकली ये इंश्योर करता है कि ये आप ही इसके ओरिजिनल ओनर हो, और अगर डीमार्क रिकॉर्ड सेट नहीं करोगे तो ईमेल स्पूफिंग हो जाती है। तो ईमेल स्पूफिंग एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा डीमार्क से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर मुझे टेस्ट ईमेल आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन टेस्ट ईमेल वॉज सेंड सक्सेसफुली, ऐसा ऐसा आ गया है, दैट्स इट एंड यू कैन गो टू सेटिंग्स। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे सेटिंग्स, सबसे पहले हमने हमारा बिजनेस ईमेल क्रिएट किया है शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर, आप लोग कहीं भी इसको क्रिएट कर सकते हो एंड देन जहाँ भी क्रिएट कर रहे हो वहाँ पर आपको इसकी SMTP सेटिंग्स मिल जाएगी, ये काफ़ी ज़रूरी होती है। और जो आपका मेल बॉक्स का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद यू नीड टू कम हियर, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डाल देना जो भी आपका ईमेल है, मेन चीज़ यहाँ पर होगी। अदर SMTP सिलेक्ट करके यू कैन ऐड योर SMTP होस्ट, SSL, TLS, पोर्ट नंबर एंड देन जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है, दैट्स इट। और एक बार यहाँ पर ईमेल टेस्ट पे जाके ईमेल करके देख लेना कि आपको यहाँ पर ईमेल इस तरीके का रिसीव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको दूसरे प्रोवाइडर्स की SMTP सेटिंग्स मिल जाएगी कि सेंड लेयर यूज़ कर रहे हो तो ये है, गूगल जीमेल की SMTP सेटिंग्स ये है, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ योर जीमेल तो आप लोग ये कर सकते हो एंड देन किस तरीके से उसका ऐप पासवर्ड जनरेट करना है और हॉट लाइव की, याहू मेल की, याहू बिजनेस की, जोहो की, इन सब की आपको SMTP सेटिंग्स यहाँ पर इस पेज पे मिल जाएगी। इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो ये था फ्री वर्जन, फ्री वर्जन तो यहाँ पे सबको यूज़ करना ही है। इनका पेड वर्जन भी है, वो भी यहाँ पर मैंने परचेज़ कर लिया है देखने के लिए कि क्या इसके फीचर्स है और किन को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, उसके बाद इसके फीचर्स देखेंगे। तो प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है $49 से पर ईयर एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इनके बेसिक प्लान में ही, कि सारा ईमेल रिपोर्ट, लॉगिंग, ट्रैकिंग एंड ईमेल फेलियर अलर्ट्स, ये सब आपको इसमें मिल जाता है। जैसे जोहो मेल का भी अगर आपको नेटिव सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर मिलेगा एंड देन जो इनका एलीट प्लान है वाइट ग्लव सेटअप, ये बहुत ज़्यादा मुझे कुछ यहाँ पर इम्प्रेसिव नहीं लगा है। बट जो इसका जो मेन प्लान है वो है प्रो वाला, प्रो पे यहाँ पर आपको मैक्सिमम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड दैट्स द प्लान दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड। फीचर्स पे अभी हम लोग यहाँ पर वन बाय वन बात करते हैं। बिफोर आई टॉक अबाउट फीचर्स मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा जो नीचे जो लिंक है दैट इज़ माई एफिलिएट लिंक, मीन्स अगर आप लोग वहाँ से जाके इसको परचेज करोगे देन आई विल गेट अ स्मॉल कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट मी बाई यूजिंग माई लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, इट रियली हेल्प्स मी कि मैं इस तरह के डिटेल्ड वीडियोज़ आप लोगों के लिए रेगुलरली ला पाऊँ। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके कुछ प्रो फीचर्स के बारे में। जो सबसे पहला फीचर है वो है ईमेल लॉगिन का। जैसे ही यहाँ पर हम लोग ईमेल लॉग पे जाएंगे, यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स है कि आप ये सारे ईमेल्स को लॉक करो एंड जो भी ईमेल्स जा रहे हैं मेरी वेबसाइट से उसको लॉक करो, उसको ट्रैक करो कितने ओपन हुए हैं वो भी आप देखो। उसके लिए आई विल गो टू ईमेल लॉग एंड देन यहाँ पर ये मुझे बता देता है कि कितने ईमेल मेरे गए हैं, आई कैन व्यू द लॉग, कौन सी ईमेल से गया है, किसको गया है, क्या सब्जेक्ट था, वो सब यहाँ पर लिखा आ जाता है एंड कितने ईमेल्स यहाँ पर फेल भी हुए हैं। जैसे ये जो 3-4 ईमेल्स हैं दीज आर फेल्ड ईमेल्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटिंग्स नहीं सही करी थी, तो टेक्निकल डिटेल्स पे मुझे बता देगा। ये ईमेल लॉग बहुत नेसेसरी हो जाता है जब आप लोग बहुत सारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स फॉर्म के थ्रू कुछ कलेक्ट कर रहे हो, जब सर्विस कलेक्ट कर रहे हो या ट्रांजैक्शनल ईमेल्स हो रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तब ये ईमेल लॉग काफ़ी काम में आ सकता है।
इसके बाद यहाँ पर आता है अलर्ट। अलर्ट मतलब अगर कोई भी ईमेल यहाँ पर फेल हो जाए, मैं ईमेल लॉग में तो देख ही सकता हूँ। उसके बाद यू कैन गेट अलर्ट्स ऑन योर ईमेल या फिर स्लैक या फिर वेबहुक के थ्रू, आप लोग जेपियर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अलर्ट फंक्शन है इसमें। देन एडिशनल कनेक्शंस है। एडिशनल कनेक्शंस इन द सेंस आई कैन ऐड अ न्यू कनेक्शन। मैं यहाँ पे बोल दूँगा डिफॉल्ट बैकअप, ठीक है, कौन से ईमेल से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बेसिकली एक SMTP डाल सकता हूँ कि अगर जो मेरा ओरिजिनल कनेक्शन है अगर वो वर्क नहीं करे तो फिर आप लोग इस कनेक्शन का यहाँ पर यूज़ करो। जैसे हमने पहले कनेक्शन बनाया था स्टार्टिंग में, वैसे ही अगेन यहाँ पर आप लोग अदर SMTP करके एक और यहाँ पर ईमेल डाल सकते हो अपना, ताकि अगर मान लो जो मेरा बिजनेस ईमेल है वो डाउन हो जाए तो आई शुड हैव अ सेकेंडरी ईमेल जिस कनेक्शन का यूज़ किया जा सके। ये अगेन नेसेसरी हो जाता है ई कॉमर्स के लिए। देन देयर इज स्मार्ट राउटिंग। स्मार्ट राउटिंग मीन्स आई कैन इनेबल दिस कि अब अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है टिकट तो फिर आप लोग ये वाला कनेक्शन यूज़ करो, मतलब आप लोग एक दूसरा ईमेल यूज़ करो। तो बेसिकली आई कैन सिलेक्ट कि कौन से ईमेल्स कौन सी ईमेल आईडी के थ्रू जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि जो मेरा टिकट्स वाला सिस्टम है या फिर जो सपोर्ट का सिस्टम है वो मेरे प्राइमरी ईमेल पर हो, उसके लिए मैं चाहता हूँ एक सेकेंडरी ईमेल हो या फिर एक थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस का यूज़ करूँ, मैं एक ट्रांजेक्शनल ईमेल सर्विस का यूज़ करूँ। तो आई कैन यूज़ अ बैकअप कनेक्शन फॉर दैट, या फिर आई कैन यूज़ अ डिफरेंट कनेक्शन बेसिकली फॉर दैट। ये जो बैकअप कनेक्शन है ये मैंने इसका यहाँ पे नाम दिया है। सो दिस इज़ एन एडिशनल कनेक्शन जिसका मैंने यहाँ पे नाम दिया बैकअप कनेक्शन। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके और एडिशनल कनेक्शंस ऐड कर सकता हूँ एंड देन आई कैन राउट देम थ्रू दैट एडिशनल कनेक्शंस। कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन, आई थिंक WP मेल SMTP इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्लगइन्स आउट देयर। फ्री में आपको इसको डेफिनेटली यूज़ करना ही है, बिकॉज फॉर्म्स डालोगे आप अपनी वेबसाइट पे, कमेंट बॉक्स रहेंगे आपकी वेबसाइट पे, तो ताकि उसके नोटिफिकेशंस अच्छे से चलते रहे, आपको ईमेल्स पे अपडेट्स आते रहे, उसके लिए WP मेल SMTP इज़ नेसेसरी। फ्री वर्जन मस्ट हैव है, नो डाउट कि आप लोग कोई भी यहाँ पर वेबसाइट यूज़ कर रहे हो फ्री वर्जन तो डालना ही है। पेड वर्जन की बात करूँ तो डिटेल रिपोर्टिंग के लिए, ईमेल अलर्ट्स के लिए, ईमेल्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो अगर आप लोग सर्वेज वगैरह कलेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपके पास फॉर्म से इनपुट आ रहे हैं या फिर ई कॉमर्स है, तो आई थिंक यू कैन गेट द पेड ऑप्शन एज वेल। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव द कमेंट्स बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।